आइडिया इन जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की फरमाइश थी स्टूडेंट्स की कि 2 मिनट्स कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज को रीस्टार्ट करें, रिज्यूम करें, तो ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स आई वाज अनेबल टू timely update these videos, and so we were stopped on the article number 4. So let's restart from article number 5 और article number 5 of the constitution को study करते हैं। और इसमें basically मैं इस series का purpose जैसे कि आपको पता यही है कि 2 minutes में main जो points हैं उन articles के वो बता दो। जो important article होगा, ज़्यादा detailed होगा, उस पर फिर मैं जैसे article 6 इस अगली वीडियो में मैंने करना है, तो उसमें मेरा ये होगा कि उसमें फिर आपको मैं context के historical के maneuvers होते हैं वो साथ साथ बताता चलता जाऊँगा आपको, ठीक है। सो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 5 जो है ना बेसिकली डील करता है अबाउट द लॉयल्टी टू द स्टेट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पस होता है या जो मेन रेजन डेटरे होता है, रेजन दितांत होता है, वो बेसिकली ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इमरानी मुआहिदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट के साथ आप लॉयल्टी शो करते हैं, जो सिटीज़न होगा, नागरिक होगा, वो स्टेट के साथ या रियासत के साथ वफादारी शो करेगा और रियासत के साथ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा। उसके जवाब में रियासत का ये फ़र्ज़ होगा कि वो कुछ बुनियादी हकूक़, इंसानी हकूक़ की फ़राहमी जो है वो यकीनी बनाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ये ना बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्ट फ्रॉम द पीपल है उसको जो पाकिस्तान में डील करता है आर्टिकल, वो आर्टिकल नंबर 5 है। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। ये आर्टिकल 5 बड़े खुले शब्दों में इस बात का इजहार करता है कि आर्टिकल 5 जो है पाकिस्तान के 1973 के आइन का, वो ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, स्टेट के साथ वफादारी जो होगी वो बुनियादी फ़र्ज़ है हर नागरिक का, हर शहरी का, ठीक है। आर्टिकल 5 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की ओबीडियंस या उसकी वफादारी जो है वो इनवायलेबल ऑब्लिगेशन, ऐसी ऑब्लिगेशन है, ऐसा फ़र्ज़ है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। फॉर इंस्टेंस अगर आप वायलेट करते हैं तो फिर इसका मतलब आप देश के गद्दार हैं, मतलब आप धरती के गद्दार हैं, आप मुल्क के वफादार नहीं है, ठीक है। तो लॉयल्टी टू द स्टेट को डील करता है टोटल आर्टिकल और इसका मेन पर्पस ये है। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखें तो पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर ये जो लॉयल्टी टू द स्टेट को आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 18, ये मैंने फॉर दो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के हों तो काउंटर रेफरेंस के तौर पर अगर आपने कहीं मैंशन करना हो तो इंडिया के अंदर आर्टिकल जो डील करता है वो आर्टिकल 18 है, पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 5 है। और ये आर्टिकल बेसिकली लॉयल्टी टू द स्टेट को डील करता है। हाँ, इसका पॉलिटिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, इसके यूज़ पर और वो सब्जेक्टिव एक चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, जैसा कि रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ था। सो आर्टिकल 5 बेसिकली इस चीज़ को डील करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 6 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये जो सीरीज़ है 2 मिनट्स कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के हवाले से ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।